नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एसएससी में। जैसा कि आप जान रहे हैं, एशियन गेम्स 2018 की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया के खाते में कई मेडल भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है सिल्वर मेडल। इसके साथ ही एक और खिलाड़ी भी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एयर राइफल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, दीपक कुमार ने एशियन गेम्स 2018 में भारत को तीसरा पदक दिलाया है। ठीक है, पहला पदक किसने जीता था? रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने जीता था मिक्स इवेंट यानी डबल में। रजत सॉरी काशी पदक जीता था। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा पदक किसने दिलाया था? बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल दिलाया था रेसलिंग में, और ये तीसरा पदक है। ठीक है, दीपक कुमार ने एशियन गेम्स 2018 में भारत को तीसरा पदक दिलाया। सोमवार को यानी आज की खबर है, जकार्ता में 30 वर्षीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। दीपक 247.7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं चीन के होरन येन ने एशियन गेम्स के रिकॉर्ड 249.1 के साथ गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, भारत के ही रवि कुमार 205.2 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। ठीक है, रवि कुमार जो है ये चौथे स्थान पर रहे हमारे इंडिया के। आगे देखिए, भारत की ओर से रवि कुमार और दीपक कुमार दोनों ने ही फाइनल में जगह बनाई थी। रवि कुमार ने इससे पहले अपूर्वी चंदेला के साथ मिलकर मिक्स डबल टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए एशियाई खेलों में यानी 2018 एशियाई खेलों में पहला पदक जीता था। जैसा कि मैंने पहले बोला, यानी 2018 के एशियाई खेल में खाता खोला था किसने? रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने मिक्स डबल्स इवेंट में। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल के साथ। उसके बाद देखिए, क्वालिफिकेशन राउंड में रवि चौथे स्थान पर 626.7 अंकों के साथ, वहीं दीपक कुमार पांचवें स्थान पर रहे थे। देखिए, ये बात हो रही है क्वालिफिकेशन राउंड की। ठीक है, जिसमें दीपक कुमार पांचवें स्थान पर रहे थे और उनका स्कोर था 629.3। दीपक ने पहली बार एशियाई खेलों में पदक हासिल किया। ठीक है, इससे पहले क्वालिफिकेशन में दीपक को पांचवा स्थान हासिल हुआ था, वहीं रवि ने चौथा स्थान हासिल किया था। फाइनल में एक समय पर दीपक बाहर होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन देखिए ये सभी हाइलाइट्स जानने से क्या होता है, अगर आप ये हाइलाइट्स जानेंगे और अगर आप टीवी में देख रहे हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। इससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा कि अगर आप टीवी में देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्कोर बार बार देखेंगे, आगे चल रहे थे पीछे चल रहे थे, इससे मेमोरी पावर में जल्दी आता है। इसलिए आप मैं रिकमेंड करूँगी कि आप टीवी ज़रूर देखिए। तो देखिए, वहीं रवि कुमार चौथे स्थान पर हासिल किया था। फाइनल में एक समय आया जब दीपक बाहर होने की कगार पर थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर ताइवान लू शाओ चुआन को मात देते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। ठीक है, दीपक ने कहा, मैं क्वालिफिकेशन में भी पीछे था, मैंने उसके शब्दों को याद किया, उनके शब्दों को याद किया। वह कहते हैं कि आपको अपनी ताकत और सीमाएं पता है, शुरुआत अच्छी नहीं थी और बीच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे संयम बनाए रखना था। ठीक है, दीपक पिछले साल ही भारतीय टीम में आए जबकि 2004 से निशानेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पदक शुरुआत भर है। उन्होंने कहा, हर कोई यह सोचता है कि उसे क्या मिलेगा, मैंने अपने गुरुकुल में सीखा है कि आपको आपका हिस्सा मिल ही जाएगा, दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है। दीपक के माता पिता ने उन्हें देहरादून में गुरुकुल एकेडमी भेजा था, वह धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं और गुरुकुल से मिली शिक्षा को फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, भारत का जलवा। दीपक के बाद लक्ष्य ने भी जीता सिल्वर। ठीक है, अभी हमने दीपक के बारे में देखा और उसके बाद लक्ष्य ने भी जीता है सिल्वर। ओके, 19 साल के भारतीय निशानेबाज लक्ष्य ने
18वें एशियाई खेलों के पुरुष ट्रैप इवेंट में भारत की झोली में दूसरा सिल्वर और चौथा मेडल डाल दिया है। ठीक है, दूसरा सिल्वर और चौथा मेडल डाल दिया है, चौथा मेडल डाल दिया। ठीक है, 19 साल के लक्ष्य ने 45 में से 39 निशाने सही लगाए, जिससे वह पोडियम में दूसरे स्थान पर रहे। इससे पहले भारत को दूसरे दिन की शुरुआत में शूटर दीपक कुमार ने सिल्वर मेडल दिलाया। ताइपे के कुनपी यांग ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, साथ ही उन्होंने 48 अंक से खेलों के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। ठीक है, वहीं कोरिया के डाइम योंग अहन ने JSC शूटिंग रेंज में 30 अंक से कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है, मानवजीत सिंह संधू क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहे थे, लेकिन वह फाइनल में 30 शॉट में से 26 अंक से चौथे स्थान पर रहे। ठीक है, मानवजीत सिंह संधू, यह भारतीय निशानेबाज दल का इन खेलों में तीसरा पदक है। गौरतलब है कि 4 में से 3 मेडल निशानेबाजों ने ही जीते हैं। रविवार को खेलों में पहले दिन 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड इवेंट में अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया था। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप एक दो बार रिपीट भी हो जाए तो अच्छी बात है, आपको याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, इनके बाद आज दूसरे दिन 10 मीटर राइफल इवेंट में पुरुष वर्ग में दीपक कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि भारत में निशानेबाजों का दूसरा मेडल। और फिर लक्ष्य ने ट्रैप इवेंट में एक और मेडल जीता। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है सिल्वर मेडल। इसके बाद हमने देखा भारत का जलवा बरकरार है, और दीपक के बाद लक्ष्य ने भी जीता है सिल्वर मेडल। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।